नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि क्यों इंटरनेट कनेक्शन अचानक से रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसका कई सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं कौन कौन सा रीज़न हो सकता है। तो पहला जो रीज़न होता है किसी भी डेटा को ना काम करने का, वो होता है कि अचानक से आपका मतलब आईपी एड्रेस मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें एक डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोग का आईपी स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक और डायनेमिक आईपी वो होते हैं, स्टैटिक वो होता है जो फिक्स्ड होता है, डायनेमिक वो होता है जो चेंज होते रहता है समय के साथ। तो जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है वो हमें डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, तो जो हमारा राउटर है वो या फिर हमारा कोई भी फ़ोन है, जब वो इतना ओवरलोड होता है मतलब वर्क के वजह से, स्पीड मतलब कनेक्ट वाले अगर मल्टीपल लोड डाल दिए हैं तो ठीक से जो है सो काम नहीं करेगा और जो है स्पीड स्लो हो जाएगा। तो ऐसे केस में कई बार होता है कि आईपी अचानक से चेंज होता है, लेकिन जो है राउटर उसको उस आईपी नए आईपी के अकॉर्डिंग जो है सो ढल नहीं पाता है। तो ऐसे में होता है कि आपका आईपी जो है सो चेंज तो हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मतलब आपके राउटर को क्या आईपी चेंज हो गया, जिसके वजह से वो पुरनका आईपी को जो है सो यूज करते रहता है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है सो काम करना बंद कर देता है ऐसे भी सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन है कि अगर आप मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन या फिर कोई भी फीचर फ़ोन, तो ऐसे में होता है कि कई बार कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जो टावर की वजह से। ठीक है, मेनली ज़्यादातर टावर के वजह से होता है कि मतलब अचानक से जो है सो टावर दूर है, या फिर सिग्नल अचानक से कम हो गया क्योंकि टावर बंद पड़ गया है, मतलब या फिर कुछ ऐसा ही। टावर के साथ जब भी कुछ छेड़छाड़ होता है ना, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं काम करता है। मोस्टली जो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है हमारे स्मार्टफोन सब में, वो टावर के वजह से ही होता है। 80% केस जो होता है वो टावर के वजह से ही होता है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है ऑलमोस्ट हर समय रन कर रहा होता है। तो ISP को जो है सो देख रेख करना होता है कि इंटरनेट कनेक्शन बंद ना पड़ जाए, तो दूसरे चीज़ पे ध्यान देता है लेकिन टावर पे नहीं ध्यान देता है। टावर इंडिविजुअल होता है एक एरिया का, तो टावर की वजह से भी जो है सो 80% केस में जो है सो होता है मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन काम करना बंद कर देता है। तीसरा बात करते हैं कि तीसरा सर्वर साइड से जो है सो ISP तरफ से जो है सो कभी कभार जो कुछ सुधार का काम होता है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या फिर कुछ चेंजेस करना है हार्डवेयर में, तो ISP जो है सो कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन जनरली जो है सो यही करता है कि वो लोग बैकअप सर्वर पे जो है सो लोड डालता है, ऐसे सिचुएशन में वो जो है सो डायरेक्टली बंद नहीं करके आपके बैकअप सर्वर पे जो है सो लोड डालता है और जो है सो आपका इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। और क्या रीज़न हो सकता है? तो और कोई मेरे ख्याल से रीज़न सूझ नहीं रहा है। यही जो डायनेमिक आईपी जो चेंज होता है, तो मेनली यही जो होता है, यही इसी वजह से जो है सो 80% जो है सो केस में मतलब इंटरनेट काम करना बंद करता है। और उसके अलावा अगर कुछ मोबाइल डिवाइस मिले, तो मोबाइल डिवाइस में तो राउटर होता नहीं है, वो इनबिल्ट होता है मोबाइल में। तो मोबाइल जो है सो अपने ट्रैफिक उस पर ज़्यादा लोड नहीं होता है, मोबाइल जितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है उसी के हिसाब से उसका राउटर होता है। तो ऐसे केस में उसमें राउटर ना होने की वजह से, मतलब राउटर होता है लेकिन उसका इंडिविजुअल राउटर होने की वजह से, उसमें मोस्टली प्रॉब्लम जो होता है वो टावर की वजह से ही आता है, ना कि राउटर प्रॉब्लम होता है। राउटर प्रॉब्लम मोबाइल में बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है। तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, ठीक करने का एक मात्र रीज़न है कि अपना राउटर को प्लग करें, मतलब अनप्लग करें और फिर से प्लग कर दें, और ऐसे में राउटर जो है सो आपका नया आईपी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। तो आपका जो है सो काम करना शुरू कर देगा आपका इंटरनेट। अगर मोबाइल में होता है तो मोबाइल में आप जो है सो इंटरनेट बंद करके या चालू करके देखें, अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, फ्लाइट मोड में जो है सो जाएं और उसको क्या बोलते हैं, फिर फ्लाइट मोड ऑफ़ करें और तब जो है सो नेटवर्क आएगा तो ट्राई करें, और इससे भी काम नहीं चलता है तो रीस्टार्ट करें। इससे भी काम नहीं चलता है तो SS पॉइंट चेंज करवाएं, अपने ऑपरेटर को कॉल करें, मतलब आपका जो ISP है उसको, और कहें कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वो आपका SS पॉइंट चेंज करवा देगा।
नया एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, उससे आपका काम करना, या नेटवर्क स्विच करके देखें जो होता है मैन्युअली कभी कभी जो है सो ऑटोमेटिक जो नेटवर्क होता है ना काम नहीं करते रहता, तो ऐसे केस में कभी कभार जो है सो मैन्युअली जब आप मतलब डालिएगा तो काम करना शुरू कर देता है, तो मैन्युअली भी डाल के देखा कीजिए कि कहीं काम करना शुरू कर दे। ऑटो में कभी कभी काम नहीं करता है, जैसे कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो यही सब था, मैन्युअली में मैन्युअली सेलेक्ट कीजिए नेटवर्क, और जिस ऑपरेटर का है उसी का नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि दूसरे का भी तो इंटरव्यू नहीं होगा। कभी कभार होता है कलेबरेशन होता है, दो बिजनेस डील होता है दो ISP के बीच में, तो कभी कभार दूसरे का नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जनरली उसी ISP का यूज़ कर पाइएगा जिस ISP का आपके पास कहने का मतलब इंटरनेट है, आपके पास सिम है या जो भी समझ लीजिए। तो यही सब तरीका था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस, टेक केयर।